नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किसी भी व्यक्ति की पैसों से जुड़ी इच्छाएं कब पूरी होंगी, महालक्ष्मी की कृपा उन्हें कब मिलेगी, ये जानने के लिए ज्योतिष में कुछ संकेत बताए गए हैं। मान्यता है कि जब ये संकेत मिलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उसको लक्ष्मी जी की कृपा मिलने वाली है तथा पैसों से संबंधित सारी परेशानियाँ दूर होने वाली है। शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर महालक्ष्मी की पूजा करने पर विशेष कृपा मिलती है। इस दिन यदि कोई कन्या आपको सिक्का दे तो यह शुभ संकेत है। ऐसा होने पर निकट भविष्य में धन लाभ होगा। यदि जागते ही आपकी पहली नज़र दूध दही या भरे बर्तनों पर पड़े तो उसे भी शुभ संकेत समझा जाता है। सुबह उठते ही शंख, मंदिर की घंटी आदि सुनाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह सुबह गन्ना दिखाई दे तो निकट भविष्य में उसे धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति को सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि निकट भविष्य में माता की कृपा और धन से संबंधित परेशानियाँ दूर होने वाली है। यदि आवश्यक काम के समय जाते समय लाल साड़ी में पूरे 16 श्रृंगार की भी यदि कोई स्त्री दिख जाए तो यह भी माँ लक्ष्मी की कृपा का इशारा ही है। ऐसा होने पर उस दिन कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती है। नारियल, शंख, मोर, हंस, फूल आदि चीज़ें सुबह सुबह दिखती है तो बहुत शुभ माना जाता है। यदि घर से निकलते ही गाय दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है। गाय सफ़ेद हो तो ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में सफ़ेद सांप, सोने के जैसा सांप दिखाई दे तो समझना चाहिए कि ये भी माता महालक्ष्मी की कृपा का इशारा है। ऐसा होने पर निकट भविष्य में कोई विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। यात्रा पर जाते समय सीधे हाथ की तरफ सांप, बंदर, कुत्ता या कोई पक्षी दिखाई दे तो शुभ शकुन माना जाता है। यात्रा मंगलमय होती है। तो आप भी इन संकेतों पर ध्यान रखें कि कब माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस जाए। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिए। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।